Hello students, I am Klangmi sir. Welcome to live class. My dear student, today we are going to English grammar for class 12. जी मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल बनाते समय आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो मेरे प्यारे, तो आज जो मैं एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जी आपने इसको कैसे सुना, जो आज मैं एक्सेप्शन पढ़ा रही है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में अनेक प्रकार पूछ देता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सेप्शन नंबर 6, क्या समझा, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, मींस क्या समझा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने को बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सेप्शन नंबर 6। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दें, स्टार्ट विद 2 or 3 and 4, दो या दो से अधिक चार भी वाक्य हो सकते हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े वाक्यों को किस प्रकार कंबाइन करेंगे, किस प्रकार उसको जोड़ा जाएगा, जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं बता रहे जा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करें। आइए इसके रूल को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर से आपका ऑब्जेक्ट प्लस, और जहां पे आपको फुल स्टॉप दिया रहेगा वहां पे कॉमा का प्रयोग करेंगे, बाकी वाक्यों को जीव बत्ती उतार दे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। आइए हम लोग दो से तीन वाक्यों को, चार वाक्यों को कंबाइन करना सीखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि दिया हुआ है कि द हंटर रेज हिज गन, तो यहां से और यहां तक बच्चों ध्यान देंगे, यह हमारा फर्स्ट हो गया, और यहां से यहां तक हमारा सेकेंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, थर्ड हो गया। मिस कितने अभी तक आप दो वाक्यों को जोड़ना सीखे थे, इस वीडियो में हम लोग तीन वाक्यों को किस प्रकार कंबाइन करेंगे और किस सरल नियम से प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इसको वीडियो को अच्छी तरीके से वाच करने का प्रयास करें। आइए हमारा रूल क्या करें, यहाँ पे ध्यान देंगे, पर इसकी हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। द हंटर रेज हिज गन, कहा जा रहा है कि शिकारी ने अपने बंदूक को उठाया, शिकारी ने अपने बंदूक को उठाया, ही टुक एम, और उसने निशाना लिया, उसने क्या किया, निशाना भरा, फिर ही शॉट द टाइगर, और उसने चीता को मार दिया। मिस एक क्या, उसने बंदूक को उठाया, फिर दूसरा वाक्य में करे कि निशाना लिया, तीसरा कर उसने शेर को मार दिया। तो तीन वाक्य दिया और तीन वाक्य को कंबाइन करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे बच्चों, आईएनजी, यहाँ दे जो वर्ब की फर्स्ट, यह हमारा दिया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रेज, आर ए आई एस ई, और याद होगा कि जब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं ई को आई में बदल दिया जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि जब ई दिया हो और आईएनजी जोड़ते समय ई को आई में परिवर्तन कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे किसका प्रयोग बच्चों ध्यान देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, रेज, और इसमें क्या रेज, आर ए आई और यस आई एन जी, ओके, रेजिंग हो गया, फिर करें ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, हिज गन, क्या हो गया आप लिखेंगे, हिज गन, ओके, फिर कहा जा रहा है कि एंड क्या जोड़ा है, फिर से दूसरे वाक्य को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, एंड हो गया बच्चों, फिर कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर यदि हमने टुक दिया, क्या दिया बच्चों, टुक, टी डबल ओ के दिया, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, टेक, कहता है टेक, और टेक में जब आई एन जी जोड़ेंगे तो ई को किस में परिवर्तन करेंगे, आई में परिवर्तन करेंगे, तो एंड टेकिंग, क्या बच्चों, एंड टेकिंग, ओके, टेकिंग, फिर कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एम, टेकिंग एम, और कहा जा रहा है फिर से फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा, किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा, ही शॉट द टाइगर, उसने चीता को मार दिया, उसने कौन, जो यहाँ पे ही है वो किसके लिए कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे द हंटर के लिए, इसलिए ही के स्थान पर किसका प्रयोग करें, द हंटर का, और यहाँ पे देखेंगे द हंटर, द हंटर शॉट द टाइगर, तो आपने क्या समझा बच्चों, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया रेज, रेज में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, तो हो गया आपको आई एन जी जोड़ दिए, फिर कर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, हिच कर उतार दिया गया, फिर यहाँ इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टुक दिया, टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टेक में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी जोड़ेंगे, टेकिंग एम, और फिर फुल स्टॉप का स्थान पर किसका प्रयोग, कॉमा, और ही शॉट द टाइगर, और ही कौन है, ही यहाँ का जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया, द हंटर, इसीलिए द हंटर शॉट द टाइगर, जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं, आपने क्या लिखा, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, कॉमा, द हंटर शॉट द टाइगर,
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, अरे द थीफ ब्रोक द लॉक, अरे चोर ने ताला को तोड़ा, ही स्टोल द मनी, उसने पैसे चुरा लिया, ही फ्लेड अवे, और वहां से भाग गया। तीन वाक्य दिया है, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म क्या था बच्चों, ध्यान देंगे ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म दिया है ब्रेक, BREAK, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे ING, जोड़ेंगे तो आप कंबाइन इसको जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अब लिखेंगे ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया द लॉक, द लॉक, और फिर जोड़ेंगे यहाँ पे एंड, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, देखिए स्टोल दिया है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्टील, क्या तो बच्चों स्टील होता है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, क्यों स्टीलिंग, STELING, क्यों स्टीलिंग द मनी, स्टीलिंग द मनी, और यहाँ पे फुल स्टॉप का सब क्या लगाना बच्चों, कॉमा, ही रेड अवे, और ही कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या होगा द थीप है, यानी कि द थीप, द थीप THIEF, द थीप, फ्लेड अवे, फ्लेड अवे, क्या होगा बच्चों, ध्यान दें ब्रेकिंग द लॉक, ताला को तोड़ते हुए, एंड स्टीलिंग द मनी, पैसे को चुराते हुए, द थीफ रन अवे, और चोर क्या हुआ भाग गया। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है इस तरीके से जो भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लाउडिंग सर आपको पास्ट पार्टिसिपल बताऊंगा, आपको ग्रामर की पर्सन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अपडेट करूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, जिससे आपको बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।